सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रजवंशी, एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये रहा दिवाली का लुक, और ये है सेकेंड लुक। फर्स्ट लुक गर्ल्स के लिए लेके आए थे सरारा सूट पे, अगर आपने नहीं देखा वो तो देख लीजिएगा जाके। बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोज भी आए थे और बहुत ही ईजी मेकअप शेयर किए थे वो, बहुत ही ईजी कम प्रोडक्ट में। अगर आप मेकअप करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, तो जाइए चैनल पे चेक करिए, वो आया होगा एकदम रिसेंट में ही, इस वीडियो से पहले जाके देख लीजिए। और ये लुक भी कैसा लग रहा है बताइएगा, बहुत ही खूबसूरत लुक है मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि हम भी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते मेकअप में। और गाइस प्लीज़ नेल पेंट को इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम नेल पेंट लगाने में बहुत लेजी हैं, तो इसलिए हाथ ऐसे दिख रहा है। खैर छोड़िए, तो ज्वेलरी कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और दिवाली का लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और ये लुक कैसे क्रिएट किए हैं आगे देखिए वीडियो में, एकदम स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो आप लोग के साथ शेयर किए हैं मेकअप ट्यूटोरियल, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा हैं और इस तरीके से रेडी होना चाहती हैं दीपावली में या छठ पूजा में, तो आप ये वाला मेकअप जरूर कर सकते हो। तो चलिए देखिए, और मिलते हैं वीडियो के एकदम एंड में, ठीक है। सो है गाइस, चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो फेस को वॉश कर लिए एकदम अच्छे तरीके से, उसके बाद स्टार्ट किया मेकअप ये ऑरेंज जेल से, जो हम न्यू एकदम ये यूज करना स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हम पर्पल ऐप से मंगाए हुए हैं अभी, गुड वाइब्स के भी और बहुत सारे कंपनी के, तो जल्दी ही वो भी वीडियो आएंगे। तो अभी तो दीपावली का ज़रूरी था, तो सोचे दीपावली का शेयर कर लेते हैं, उसके बाद वो सारे चीज़ तब तक यूज करके और बताएंगे कि कैसा है। तो यहाँ पर हम ये जेल पहले लगाएँ, और बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, मतलब मेरे को ना अच्छा लगा। फिर जेल लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएं ये जो है प्राइमर, ये प्राइमर बहुत अच्छा है, हम शादी के टाइम से यूज कर रहे हैं, एकदम मतलब फेस पे बहुत अच्छा ग्लो भी लाता है। ये भी जेल प्राइमर ही है, तो यहाँ पे हम ये वाला प्राइमर लगाएं। और हमेशा जब भी आप प्राइमर लगाते हो, ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ड्राई भी है तो ज़रूरी है बट ऑयली को और ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद हमें 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे हम लगाएं बीबी क्रीम, और बीबी क्रीम जो है आप अपने अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, जो भी टोन हो जो सेट करता हो वो। पहले तो हम पॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा लगाया करते थे, अभी भी हम लगाते हैं, अच्छा रहता है पॉन्ड्स का भी बीबी क्रीम। अगर आपको फाउंडेशन यूज करना नहीं पसंद तो आप ये बीबी क्रीम को ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेके लगा सकते हो, एकदम इतना अच्छा कवरेज देता है ना। हम तो एक ही कोट लगाते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लेयर वाले मेकअप नहीं पसंद आते, तो जितना नेचुरल मेकअप रहे उतना अच्छा लगता है। उसके बाद ये कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हैं, किस ब्यूटी का है ये, और किस ब्यूटी अच्छा प्रोडक्ट है, हम एक दो चीज़ इसका यूज किए हैं, एक दो प्रोडक्ट तो मेरे को अच्छा लगा ये भी ब्रांड, तो आजकल हम यही यूज कर रहे हैं कॉम्पैक्ट। और इसमें ना बेस भी दिया हुआ है, और वो भी बहुत अच्छा है बेस जो है लगाने पे। अगर आप बीबी क्रीम वगैरह कुछ यूज कर रहे हो उससे पहले, अगर आपके फेस पे दाग वगैरह कुछ भी हैं तो वो लगा सकते हो, मतलब थोड़ा कम दिखेंगे दाग। तो मेरे फेस पे उतने दाग नहीं है तो हम वो यूज़ नहीं करते, ऐसे ही हैं। उसके बाद हम यहाँ आईब्रो सेट किए, और दीपावली में आप लाइट ब्राइट मेकअप करो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि दिवाली रात का है तो मेकअप आप भरपूर कर सकते हो, क्योंकि रात में ही मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम जो मेकअप बताते हैं आपको वो नेचुरल मेकअप बताते हैं, बहुत बारी बोल चुके हैं। फिर हम यहाँ पे आई साइड मतलब अपने आईज़ का मेकअप कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लगाएं पहले गोल्डन शेड, क्योंकि हम ज़्यादा एकदम से अजीब वाला मेकअप नहीं करना चाहते थे, जितना हो सके कुछ अलग सुंदर सा मेकअप करना चाहते थे। तो यहाँ पे गोल्डन शेड लगाने के बाद जो ग्रीन कलर है उससे हम लाइनर के जैसा लगा लेंगे, बस पतला सा, ऐसा लगेगा कि लाइनर लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए था कुछ अलग मेकअप। तो आप लोग के साथ भी शेयर किए, आप लोग भी दीपावली पर इस तरीके का मेकअप कर सकते हो, जिस कलर का ड्रेस हो आपके पास उस कलर का इस तरीके से लाइनर लगा सकते हो, कुछ अलग आएगा लुक और मेकअप भी कुछ अलग लगेगा। तो हम आईज़ के नीचे भी इस तरीके से लगा लिए, जो बहुत सुंदर, लास्ट में देखिएगा बहुत सुंदर मेकअप लग रहा था। तो स्टार्टिंग में देखे होंगे आप लोग जब हम वीडियो स्टार्ट किए, तो उसके बाद ये ग्रीन कलर का हम काजल मंगाए हुए थे ऑनलाइन, ये सबका रिव्यू भी आएगा, अनबॉक्सिंग वीडियो भी आएगा, अभी पैक ही हैं, हम यूज़ नहीं किए हैं, आप लोग के सामने ही हम खोल भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ग्रीन कलर का है ये काजल, और बहुत ही सुंदर काजल है, मतलब लगाने के बाद देख सकते हैं आईज़ बहुत खूबसूरत लग रहा था,
उसके बाद ये मस्करा भी मंगाए हुए थे न्यू, पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं मस्करा। वैसे तो मेरे को जो पर्सनली बोले तो जो मेरे को पसंद है वो मेबलिन का पसंद है, अभी तक मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है वो। मस्करा लगाने के बाद आइज़ बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी देखिए पैक ही है, आप लोगों के सामने ही खोल रहे हैं। तो पहली बार हम स्विस ब्यूटी का मस्करा यूज कर रहे हैं, देखते हैं ये कैसा है, ये अच्छा है या मेबलिन वाला ही। और अभी मैं एक बार सोचे कि दूसरा ट्राई करके देखते हैं, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा मेबलिन का ही लगा यूज किए तो यहाँ पे हम मस्करा ये यूज़ किए और मेबलिन का करते हैं। तो मेरे आइज़ के लिए मेरे को लगता है वो बेस्ट रहता है। आप लोग भी बताइएगा आप मेबलिन का यूज किए हो क्या, मतलब बहुत अच्छा वो आइज़ का जो है ना इतना बड़ा बड़ा दिखा देता है, बहुत सुंदर भी लगता है। तो मेरे को वही मस्करा ज़्यादा अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम से हम वही मंगाने वाले हैं, इसको रहने देंगे। उसके बाद ये लिपस्टिक हम फर्स्ट टाइम लगा रहे थे स्विस ब्यूटी का, फर्स्ट टाइम मीन्स कि ये आपके सामने ही पैक खोलें, इससे पहले भी यूज कर चुके हैं रेड कलर में, तो इस बार ही पिंक में मंगाए हैं स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक। ये स्टिक वाली लिपस्टिक है, मैट मतलब लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, फिर भी बहुत ही खूबसूरत मतलब देख सकते हैं लग रहा था लिप पे लगाने पे। तो उसके बाद हम ब्लश लगाएं, और ब्लश हम लिपस्टिक से ही लगाते हैं, मेरे को बहुत ही अच्छे से लग जाता है और बहुत अच्छा लगता भी है, मेरे को कंफर्टेबल भी लगता है लगाने में। तो ऐसे हाथ से ही इस तरीके से हम लगा लिए ब्लश, और उसके बाद सोचे हाइलाइटर लगाएंगे, बट फिर हाइलाइटर का रहने दिए। और ये जो मेकअप फिक्सर आता है वो भी फर्स्ट टाइम मंगाए, हम कभी यूज़ ही नहीं किए हैं, तो ये भी स्विस ब्यूटी का ही मंगाए थे, तो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो अच्छा लगा मेरे को। तो यहाँ पे अपना फेस पे स्प्रे कर लिए। उसके बाद बारी आया हेयर स्टाइल का, तो हेयर स्टाइल एकदम से सिंपल रखने वाले, पहले सोचे थे बन बना लें, बट फिर सोचे कि नहीं इधर बन का बहुत सारा लुक आ गया था, तो हम इसी तरीके से अपने हेयर को एकदम से टाइट करके और पीछे बांध लिए थे, क्योंकि साड़ी पे इस तरीके का लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है, मेरे को लगता है, आप लोग बताइएगा आपको लगता है या नहीं, क्योंकि पफ करना और ट्विस्ट करके जो लगाते हैं वो सारी चीज़ें बहुत बारी आ चुकी है, तो इसलिए हम सोचे इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद बारी आया ज्वेलरी का, तो ये ज्वेलरी भी न्यू मंगाए थे, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है देख सकते हैं, और डबल इसमें मिलता है, एक एकदम जो नेक में चिपका रहता है वैसा है, और एक जो लॉन्ग रहता है वैसा है, तो दोनों पहन के आपको दिखाएंगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छा आया हुआ है। नेक्स्ट टाइम देखिए कब पहनते हैं, पहनेंगे तो आपको दिखेगा ही। तो देखिए इस तरीके से पहन लीजिए, और फिर लॉन्ग वाला भी, पहले तो ऐसे ही देखे कि अच्छा लग रहा है, बट फिर हम सोचे लॉन्ग वाला भी पहनते हैं और सुंदर लगेगा, क्योंकि दिवाली है और फेस्टिवल में रेडी होना तो बहुत ही सबको पसंद है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम डेली इतना ज़्यादा हमको रेडी होना पसंद है, तो फेस्टिवल में तो और भी ज़्यादा अच्छे से रेडी होने का मन करता है। तो इसका इयररिंग्स भी झुमका इतना खूबसूरत लग रहा था ना, पहनने के बाद देखिएगा फाइनल इतना सुंदर मतलब झुमका है, जो ऊपर गोल सा बनाया हुआ है ना बड़ा सा, वो एक अलग ही लुक लाता है, तो मेरे को ऐसा ऐसा झुमका बहुत अच्छा लगता है जो ऊपर से एकदम बड़ा सा दिखे। तो इसमें इस सेट में बस इतना ही मिला, मतलब टीका वगैरह नहीं था, बस इयररिंग्स और दो इस तरीके का गले का मिलता है, लेकिन हाँ क्वालिटी बहुत अच्छा, प्राइस के हिसाब से मेरे को लगा सुंदर लगा। उसके बाद हम यहाँ बिंदी चिपका लिए, ये चिपका लिए फिर फोटो के टाइम लग रहा था ना मेरे को, बाद में जब देखे तो कि मेरे को ना सिंपल वाला ग्रीन बिंदी चिपकाना चाहिए था, बट कोई नहीं, फिर यहाँ पर सिंदूर लगा लिए, ये पीला वाला सिंदूर, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ऑरेंज सिंदूर पसंद है हद से ज़्यादा, हमारी जो शादी होती है बिहार में ये ऑरेंज सिंदूर से ही होता है, और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है, तो हम लगाते रहते हैं ऑरेंज सिंदूर। उसके बाद यहाँ पे जो नथ है वो पहनने वाले हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम ना इस तरीके का लुक अच्छा लगता है, मेरे को भी ये नोजपिन बहुत अच्छा लगता है, तो हम सोचे कि इस लुक में एकदम सेट बैठेगा तो क्यों ना पहन लें। तो यहाँ पे पहले से हम नथनी पहने हुए थे अपने नोज़ में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था पहनने में, बट हाँ इस तरीके से जाँतने वाला था तो अच्छे से लग गया, पहन भी लिए, बहुत सुंदर लुक भी आया था, देखिएगा तो कैसा लग रहा है बताइएगा। और उसके बाद बारी था यहाँ पे चूड़ा का, तो मेरे पास ग्रीन चूड़ा भी है, तो एकदम से साड़ी में सेट कर गया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि होता है ना कि अगर सेट कर जाए कुछ तो और अच्छा लगता है, क्योंकि रेड पहनते तो सुंदर तो लगता ही, रेड तो अच्छा लगता ही है, बट एक ग्रीन जो सेट मतलब हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये ग्रीन चूड़ा जब मेरी हम पहली बार गए थे आरा, मतलब पहली बार ससुराल से विदाई हुआ था, अपने घर गए थे मायके, उसके बाद वहाँ से जब विदाई हुआ था ना, तो ये वाला मम्मी पहना के भेजी थी। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और कैसा लगा ये मेकअप ट्यूटोरियल
कमेंट करके बताइएगा कहाँ कमी रह जा रहा है, वो भी कमेंट करिएगा ताकि और हम इम्प्रूव कर पाए अपने मेकअप में एंड वीडियोस में भी। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी कर सकते हो। पहला चैनल है rajvansi.clicks जिसमें फोटोशूट मेकअप के शॉर्ट्स वो सब आते हैं, तो वो फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ भी मेरा फैमिली जो इंस्टा फैमिली है बहुत बड़ा हो जाए। और 10K मेरा अभी गोल है वहाँ तक पहुँचना, बहुत पीछे है अभी आई नो, बट वहाँ तक जल्दी जल्दी पहुँचा दीजिए आप लोग। एंड सेकेंड जो चैनल है राधा राजवंशी, राजवंशी में डबल आई है, वहाँ पे हम रील्स जो लिपसिंग वीडियो होते हैं वो शेयर किया करते हैं, तो वो भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो वहाँ भी सपोर्ट करिए एंड फॉलो कर लीजिए प्लीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस लुक में भी आएगा बहुत ही सुंदर सुंदर दिवाली पोजेस, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय एंड एडवांस में हैप्पी दीपावली।